तुम कर ले लिया माशाल्लाह बढ़िया बह रही है। अल्लाह अल्लाह कहाँ पहुँचा तू तो जैसे कि देख सकते हैं मैं रेडी हो चुका हूँ। फिलहाल मेरे दोस्त के इंतजार में वो एक्चुअली गए थोड़ा नानी, एक्चुअली उनका कॉल नहीं आता तो मैं उठ नहीं पाता। एग्जैक्टली 4 बजे मुझे कॉल करके उठाए, चलो अभी उनका इंतज़ार करते फिर जाते। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारे लेट लतीफ़ भाई इतना लेट आए वो लोग। अच्छा वो इनका कॉल आ गया तो मैं उठ गया, वरना उठता नहीं मैं। चलो अरे एक्चुअली 2 बजे सोया हो रहा था मालूम, मैं 2 बजे सोया और 4 बजे उठा हूँ, 2 घंटे ही खाली नींद मार रहा हूँ। चलो कुछ नहीं, अभी इंशाल्लाह नमाज अदा करेंगे फजर की, फिर इंशाल्लाह मुए मुबारक की ज़्यारत होगी, इंशाल्लाह वो ज़्यारत भी करेंगे, फिर इंशाल्लाह वहाँ से हम घर पे आएंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर इंशाल्लाह जिधर निकलने का निकलेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ चैनल को नए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर इंशाल्लाह मिलते डायरेक्ट खतरी मस्जिद में। गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारे सामने इस गली की रौनक, और एक्चुअली यहाँ सुबह का टाइम है तो अभी एक्चुअली कोई उठा नहीं है, इंशाल्लाह सब मस्जिद में मिलेंगे। और यहाँ देख सकते हो माशाल्लाह डेकोरेशन भी हुई, हमारे मदरसा कादरिया चिश्तिया है जो बहुत अच्छी मदरसा है। थोड़ा चलो जाते हैं इंशाल्लाह खतरी मस्जिद में, फिर डायरेक्ट मिलते हैं गाइस। काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह तेरा मीला। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो फाइनली हम बाहर निकल चुके मस्जिद से, और माशाल्लाह यहाँ आप देख सकते हो नियाज़ी खीर मिल चुकी है और हम पीते इसको और आगे इंशाल्लाह मिलते गाइस। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं मीनारा मस्जिद में, जो यहाँ वहाँ पे भी हमें नियाज़ मिलने वाली है, नियाज़ है ना, वही ज़्यारत भी करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ भी मोए मुबारक की ज़्यारत है तो वहाँ भी इंशाल्लाह देखेंगे, अगर मौका मिलेगा आपके सामने ज़रूर शेयर करने वाले तक। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहना, 7:15 बजे तक का है, 7:30 को 5 मिनट बाकी है। चलो फिर डायरेक्ट मिलते डायरेक्ट मीनारा मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम, क्या बोलती मेरी पब्लिक, इसलिए हम लोग पहुँच चुके हैं मीनारा मस्जिद के बाद। यहाँ देख सकते हो माशाल्लाह क्या रौनक, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम अंदर जाएंगे इंशाल्लाह ज़्यारत करेंगे, इंशाल्लाह आपके सामने ज़रूर शेयर करने वाले, इंशाल्लाह ये वीडियो भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना गाइस, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, बस जितना हो सके इतना शेयर करो और सपोर्ट करो गाइस। तो फिर चलो अंदर डायरेक्ट मिलते हैं इंशाल्लाह। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं मीनारा मस्जिद के गेट के पास खड़े, आप देख सकते हो
माशाल्लाह सलात सलाम भी चालू है, और जैसे ही आप देख सकते हो क्या डेकोरेट किया हुआ है माशाल्लाह। चलो फिर अंदर चलते हैं, इंशाल्लाह आपके सामने पूरा डेकोरेट दिखा दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली हमारे अंदर एंट्री हो चुकी है, और माशाल्लाह कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और जैसे कि मैं चुनाव कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी लाइन लगी हुई आप देख सकते हो गाइस, कम से कम समझ लो ना 15 से 20 मिनट लगेगा ज़्यारत करने के लिए। इंशाल्लाह आपके सामने ज़रूर शेयर करने वाला है, और एक्चुअली यहाँ पे खीमा पाव भी होता है, तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर शेयर करने वाला है इस वीडियो में बनेगा। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में लाइन लगी हुई है हिंदुस्तान में कबाब लेने के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ से टोकन लेना पड़ता है, और ये टोकन ये सामने कबाब बनाने वाले को दिखाना पड़ता है, तब जाकर वो कबाब ले लेंगे। अरे हमारे अरे भाई, उनको भी कबाब लेने का हम वो नहीं। सो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसे कि खत्री मस्जिद में हमें मौका नहीं मिला, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मीनारा मस्जिद की ज़ियारत करा दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह खीमा भी माशाल्लाह था, और यहाँ देख सकते हैं इन लोग के लिए ज़रा सपोर्ट करो यार, बहुत मेहनत करते हैं इन लोग, ये नहीं रहेगा तो पूरी मुंबई की तो समझ लो पूरी सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि इन लोग की वजह से ही अपना मुंबई साफ़ सुथरा रहता है, और यहाँ वाले लोग को कौन बोलेगा, कोई सुनता ही नहीं, ये लोग भी बोल बोल के थक गए। चलो अभी हम यहाँ जाते हैं हमारे घर, इंशाल्लाह सोए के फिर सो के फिर उठेंगे, फिर इंशाल्लाह जिधर जिधर जाएंगे इंशाल्लाह आपके सामने ज़रूर शेयर करना है, तो वीडियो में बने रहना गाइस। देख सकते हैं फाइनली हो चुका है मेरा शेयर, इंशाल्लाह हमारे सामने दरगाह वाली मस्जिद होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी मस्जिदों में ऐसे हाउस होते हैं जहाँ वज़ू करते हैं, ये सामने ज़ियारत भी हो रही है माशाल्लाह, तो आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो गाइस ये हमारे नबी की मुँह मुबारक की ज़ियारत है। जैसे कि आप देख सकते हो फाइनली मेरी शॉप पे आ चुका हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा आराम फरमा रहा हूँ, और देख सकते हो हमने इतना प्यारा मौसम हो चुका है माशाल्लाह, बारिश आ रही है, तो फिर चलो डायरेक्ट मिलते हैं इंशाल्लाह, जाने का प्लान था, चलो फिर इंशाल्लाह बारिश रुकेगी फिर निकलेंगे हम लोग, और इंशाल्लाह जितना हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करना। फाइनली मैं आ चुका हूँ बाहर, एक्चुअली निकला हूँ राउंड अप के लिए, क्योंकि जैसे कि अभी आपने देख चुके हैं यहाँ पर बारिश का मौसम बहुत अच्छा था, और एक्चुअली अभी यहाँ पे एक्चुअली बारिश रुक गई है, तो उसके लिए अभी हम निकले थोड़ा लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो इंशाल्लाह जितना होगा आपके सामने वीडियो ज़रूर शेयर करने वाला हूँ। और एक्चुअली आज गणपति विसर्जन था, इसकी वजह से भी मार्केट बंद है, और हमारे ईद मिलादुन नबी था, उसके लिए भी मार्केट आज बहुत स्लो थी, तो इंशाल्लाह कल भी शायद मार्केट अंदाजे से लगता बंद रहेगा, तो जो भी चलो इंशाल्लाह जाने वाले इंशाल्लाह फिर आपके सामने ज़रूर शेयर करने वाला, जितना हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड और सर्कल में जरूर शेयर करें, तो चलो इंशाल्लाह मिलते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरा जो पार्टनर है ना वो गए एक्चुअली कुछ काम से, वो जैसे आते हैं इंशाल्लाह फिर उनको लेके फिर निकलेंगे, और बाहर का रात जो भी रहेगा इंशाल्लाह आपके सामने ज़रूर शेयर करना, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। अगर हमको ट्रैफिक नहीं मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रैफिक मिलेगी ना हम लोग आना जाना बहुत भारी पड़ जाएगा, चलो वो हो जाएगा, अभी घर पे भी जाके आराम करना है, कल वैसे भी मार्केट भी अपनी बंद है अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी आराम करना है, तो बोला आज रात को थोड़ा अपना लंबे राउंड पे थोड़ा राउंड अप मारेंगे, फिर इंशाल्लाह डायरेक्ट जाएंगे कहीं ना कहीं, फिर अगर ऐसा होगा तो थोड़ा कुछ चगान भी करेंगे बाहर, हमारे फरीम भाई हमें खिलाएंगे, बस खिलाएंगे ना भाई, हाँ हाँ नहीं बोलने का, खाली कैमरे में हाँ बोलते मालूम पड़ा बिल मेरे नाम पर डाल देते, चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आगे गाइस। अरे बाप रे, ये तो गया भाई, इसको लगता फाइन पड़ गई है गाइस, चलो कोई नहीं हम आगे बढ़ते हैं, हम भी
और बाप रे, यहाँ देख सकते हो गाइस कैसा पानी भर चुका है हाईवे पे। चलो कोई नहीं, हम भी साइड से निकलते हैं। और माशाल्लाह ट्रैफिक नहीं है, पूरा रोड खाली, आप देख सकते हो गाइस इतनी ट्रैफिक नहीं है। जितनी ट्रैफिक होती है ना उससे तो कहीं ज़्यादा बहुत कम है ट्रैफिक। चलो कोई ना, हम जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे, बस हमें हमारे सफ़र पर निकलना है, सफ़र आसान हो जाएगा। और माशाल्लाह यहाँ डिस्प्ले में क्या लाइटिंग लगी है। चलो फहीम भाई, ये देखो सामने मोगरा ब्रिज। कॉमेडी करना चाहिए इस, क्या बोलते, ज़िंदगी हंसते जिए। और ये देखो फाइनली हम पहुँच चुके हैं जोगेश्वरी। और यहाँ पे माशाल्लाह एक से बड़े बड़े हाइफा टावर है यार, बहुत अच्छे। इसी सोसाइटी होना चाहिए, किसको बोलते हैं गाइस। और ये देखो हमारे सामने लेफ्ट साइड में शायद स्कूल है, क्या है पता नहीं। ये देखो व्हाइट व्हाइट ड्रेस में सब खड़े, पता नहीं। यहाँ थोड़ी हल्की ट्रैफिक है क्योंकि यहाँ पे भी गणपति भी जा रहे हैं ना। ये देखो गाइस कितने बड़े बड़े टावर है। बस तुम लोग सपोर्ट करो, हमारा भी इंशाल्लाह ऐसा घर हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह गाइस। फाइनली पहुंच चुके हैं जोगेश्वरी और हमारे सामने एग्जिट है मेगा मॉल। ये है जोगेश्वरी का वो बड़ा मॉल है, बट मेरे को जो हिसाब से लग रहा है ना वो छोटा मॉल है, खाली नाम का मेगा मॉल है। यहाँ डी मार्ट वगैरह सब ये देख सकते हैं, यहाँ अच्छे अच्छे टावर। और आज का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा बन चुका है माशाल्लाह। चलो भाई जितना होएगा अभी जाएंगे हम, थोड़ा एक का इंतज़ार करें वो आएँगे इंशाल्लाह, उनसे सामान लेना है फिर हम हमारे घर निकलेंगे। भाई यही एक ब्लॉग बनाना था। तो चलो फिर गाइस चलते, फिर वो आते हैं वैसे ही उनका इंतज़ार करते फिर निकलते। ये देखो गाइस आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू लग रहा है, ये देख सकते हो माशाल्लाह। ऑफिस देख सकते हो गाइस। और यहाँ का एक्चुअली जो आप देख सकते हो गाइस हमारे सामने एग्जैक्टली वो कितना मस्त ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे आप देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं एक्चुअली सात रास्ता। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं मिली, बट यहीं पे देखो ट्रैफिक। आप यहाँ से गणपति जा रहा है विसर्जन के लिए, इसके लिए ट्रैफिक मिली है। और एक्चुअली एक और चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं बहुत दिन तक जोगेश्वरी से पहुँचने तक के से रिटर्न आने तक के गाड़ी मैं चलाया, और अभी भाई मैं हमारे चलाने गाड़ी। और हमारे सामने आप देख सकते हो पीछे वो जा रहा है गणपति विसर्जन के लिए। और एक काम करो, बाइक अल्लाह वाला ही मार लो, छोड़ो पीछे पीछे वाला। हाँ ये वाला, हाँ ये जैसे कि आप देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं सात रास्ता, ये इसको सात रास्ता बोलते हैं। चलो फिर डायरेक्ट इंशाल्लाह घर जाएंगे, वही ब्लॉग को एंड अप करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं डायरेक्ट घर में गाइस। फाइनली भी हम आ चुके हैं हमारे घर, और अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना हो गया हमारा। जैसे कि बड़े भाई की दावत थी, छोटी मोटी दावत थी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना खा के आए। और बस अभी हम ड्रेस चेंज करेंगे इंशाल्लाह, और फिर कल नए ब्लॉग में इंशाल्लाह हम शूट ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, आपके सामने ज़रूर शेयर करने वाले। क्योंकि मुंबई की रौनक और जश्न ईद मिलादुन्नबी की बात ही अलग है, साउथ मुंबई हो या कोई भी मुंबई, मुंबई की बात अलग है। इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री, सबसे बेस्ट कंट्री इंडिया। और ये जैसे कि अभी मैं खाना खा के आ चुका हूँ, और अभी और जैसे कि आपने हमारी वीडियो में देखा है कि हम ऑन द रोड गए थे, तो मतलब जोगेश्वरी के आगे तक हम लोग चले गए थे। फिर वहाँ से फिर हम लोग ने बस फुल इन्जॉय किया, मज़ा आ गया। और रास्ते में बारिश भी मिली हमको, तो हम हमारी लिमिट में स्पीड में चले, ज़्यादा फास्ट वगैरह नहीं। मतलब क्या रिक्स नहीं लेना है ना बारिश में, कभी खुदा ना खास्ता कुछ हादसा भूल के नहीं होता है। तो आप लोग भी इससे भी रिक्वेस्ट है, आप भी अपनी अगर गाड़ी स्पीड चला तो आप अपनी फैमिली का खाली ये दिल में ख्याल रखना कि मेरी फैमिली भी है पीछे, बाल बच्चे जो भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही कहना चाहता हूँ, एक मैसेज दे रहा था। और जैसे कि अभी ये देख सकते हो ये लोग कैसा मस्ती कर रहे थे, वो
लोगों को कौन समझाएगा भाई मैंने बहुत मस्ती करना है। चलो तो मस्ती करना है क्योंकि बचपन है ना यार, बच्चे भी नहीं मस्ती करेगा तो कौन मस्ती करेगा। और जैसे कि कल जश्न मिलादुन्नबी का जुलूस निकलेगा इंशाल्लाह, जितना भी होगा आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा, उसका भी इंशाल्लाह ब्लॉग आएगा कल। तो प्लीज़ इस वीडियो में भी ज़रूर प्यार देना और वाली वीडियो में भी ज़रूर प्यार देना। चलो अभी इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। चैनल बनाए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मिलते हैं इंशाल्लाह इस ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।